आदर आदाब, अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन हर्ष और उल्लास से भरे इस मंच में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति है हमारी सोच। हमारी सोच जिंदगी संवारती भी है और बिगाड़ती भी। सोच किसी कार्य को संभव भी बनाती है और असंभव भी। और हमारी सोच ही है जो हमें कमज़ोर भी बनाती है और सक्षम भी। हम जैसा सोचेंगे और जितना सोचेंगे वैसा ही पाएंगे, उतना ही पाएंगे। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव। कौन बनेगा करोड़पति में आए खिलाड़ी यदि बिना किसी शंका के पूरे विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ इस सोच पर बल दें कि उन्हें इस मंच का पहला करोड़पति बनना है, तो उन्हें सफल होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। तो याद रखिए, जीतने की चाह हारने के डर से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सकारात्मक सोच के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का खेल। हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ हम खेलेंगे। ये हैं रोहतक हरियाणा से आई हुई हैं, एक गृहिणी हैं, रेखा देवी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। रेखा जी, कल जब खेल रही थी तो एक लाइफलाइन की सहायता से ये जीत चुकी थी 10,000 रुपये। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। रेखा देवी जी के साथ इनके सुपुत्र आए हुए हैं और इनके पतिदेव। पतिदेव का नाम है जगवंत सिंह और पुत्र का नाम आप ही बताइए। मोहित। मोहित कुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। अच्छा रेखा देवी जी जी, एक प्रश्न है, बुरा मत मानिएगा। नहीं, ओके। जब आप छोटी थी जी, अच्छा पहले ही आप शर्माना शुरू कर दिया। पूरी बात सुन लीजिए जी। जब आप छोटी थी तो आपको जो लोग संबोधित करते थे, पुकारते थे, ओके, आपको भालू बुलाते थे। नहीं, ये शादी के बाद की बात। ये शादी के बाद की बात है। पहले मैं बहुत मोटी थी सर, शादी से पहले भी और बाद में भी। अच्छा। तो पतिदेव जी फौज में लेके चले गए साथ, तो उनकी भी ख्वाहिश थी और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं बाइक सीखूँ, मोटरसाइकिल। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को बिठाया तो मैं जैसे भालू बैठता है सर्कस में, ऐसे बैठ गई सीखने के लिए। तब से आपका नाम भालू रख दिया। तो जैसे ही बच्चे स्कूल से आए तो उनके पापा ने बोला कि आपको एक भालू दिखाता हूँ, घर में ही है। अब किसी एंगल से या किसी सूरत से आप भालू नहीं लग रही हैं। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा खेल रही हैं और जिस तरह से आप हॉट सीट पर बैठी हैं बिल्कुल भालू नहीं लग रही आप। ठीक है, ऑलराइट। और मैं आपके जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं जी, उनसे कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, भाई साहब आपने गोल्ड मेडल जीता हुआ है 400 मीटर्स में। हाँ जी सर। सही है, कौन सा ये कॉम्पिटिशन था? सर ये नेशनल था सर। नेशनल लेवल पे? हाँ जी। 400 मीटर्स? हाँ जी। क्या टाइमिंग था आपका? सर 48+। 48+। हाँ जी। काफ़ी अच्छा टाइमिंग है। थैंक यू सर। हम 2-3 मिनट में ख़त्म करते हैं उसको, आप 48 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है रेखा देवी जी। और आज का ये पहला प्रश्न है, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए के लिए जी। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर का नाम उसके रंग के कारण पड़ा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए गौर, बी बारासिंघा, सी नीलगिरी तहर या डी नीलगाय। नीलगाय लग रहा है सर। नीलगाय। नीलगाय लग रहा है। फाइनल आंसर दीजिए। नीलगाय। डी नीलगाय। ताला लगा दें जी। डी नीलगाय पे ताला लगा जाए। कंप्यूटर महाशय, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नीलगाय इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू बक। नेम कम्स फ्रॉम द ब्लू ग्रे कलर ऑफ द अडल्ट मेल्स, लिटरली मीन्स ब्लू काउ। नीलगाय हमारी साइड में जो हरियाणा। बिल्कुल वही मैं जानना चाह रहा था आपसे। उनको रोंज बोलते हैं।
रोंज, हमारी भाषा में, हरियाणवी भाषा में रोंज। रोंज कहाँ से आया ये नाम? वो नुकसान वगैरह करते हैं तो ऐसे ही सुन लेते हैं हम भी बड़े बुजुर्गों से। सुन लेते हैं आप भी, तो आपने कहा अच्छा रोंज, ये तो नया नाम है, हमने पहली दफा सुना, याद रखूंगा मैं। नील गाय का नाम रोंज होता है। ओके देवी जी, आप खुल के नहीं खेल रही हैं, बहुत झिझक रही हैं। अभी आपने जब बोला कि नील गाय, तो हमको लगा आप हमसे पूछ रहे चाय पिएंगे, ऐसा लगा मुझे। आप उत्तर नहीं दे रही थी, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलिए नील गाय, डी ताला लगाया जाए, ठीक है? अब आ रहा है सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गीता फोगाट, बबीता कुमारी और विनेश फोगाट ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? गीता फोगाट, बबीता कुमारी, विनेश फोगाट हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच स्पोर्ट, और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए बॉक्सिंग, बी वेटलिफ्टिंग, सी शूटिंग या डी रेसलिंग। मुक्केबाजी, भरोत्तोलन, निशानेबाजी या कुश्ती? डी कुश्ती। डी कुश्ती, शाबाश, ताला लगा दिया जाए जी। डी कुश्ती पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, बहुत खूब। अब फिल्म वगैरह तो आप देखती नहीं? अभी हम आपसे कल जब मिले थे तो आपने कहा था तस्वीरें से देखती नहीं, ना गाना सुनती हैं, फिल्मों से आपका कोई नहीं, लेना देना ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना आप। हाँ जी, जैसे लैपटॉप लेके आते हैं बच्चे किसी का मूवी देखने के लिए, हाँ। नई मूवी जो आती है, हाँ। क्योंकि सिनेमा हॉल वगैरह में तो हम जाने नहीं देते। आपको जाने नहीं देते? नहीं, बच्चों को नहीं जाने देते हम। आप नहीं जाने देते, क्यों? उनका भविष्य अब ऐसी उम्र का है कि अगर वो ऐसे से डोल गए तो फिर हमारी जिंदगी भी डोल जाएगी और उनकी। मेरा मानना है ये मैडम, मैंने आज तक अपने आप जैसे लोग जो ना हमारे धंधे पर लात मार रहे हैं। नहीं, ऐसे मत बोलो ना सर। उनको जाने दीजिए ना, जाएंगे कुछ अपने 4-5 दोस्तों के साथ। अभी नहीं, 400 मीटर के दौड़ में नेशनल चैंपियन है वो, जब तक ओलंपिक। अच्छा, ओलंपिक, ये एक शर्त लगाई हुई आपने, हाँ तो ठीक है। मतलब फोन भी नहीं दे रखा मैंने अपने तीनों बच्चों को। फोन भी नहीं दिया है तो कैसे भाई साहब? जी सर, कैसा लग रहा है आपको? ना फोन है, ना सिनेमा घर जा सकते हैं आप। सर क्या करें, मम्मी पापा सर 400 मीटर दौड़ते रहते हैं इधर उधर। दंगल फिल्म देखी थी आपने? नहीं, बस नाम सुना। नाम सुना था आपने? तो दंगल इज बेस्ड ऑन द फोगाट सिस्टर्स। यस। गीता, बबीता एंड विनेश हैव ऑल वन गोल्ड मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये दंगल फिल्म बहुत ही बड़ी प्रचलित हुई, आमिर खान ने इसमें काम किया था, और न केवल देश में, विदेश में भी ये फिल्म जो है बहुत चली है। तो मेरी आपसे आग्रह है कि जो चीज़ देश विदेश का नाम कर रही है भारत का, उनको तो देखने जाने दिया कीजिए इनको। नहीं, फिर लैपटॉप लेके आ जाते हैं ना, किसी बच्चे का, दोस्त का लैपटॉप लेके आ जाते हैं, हाँ। तो घर में ही देख लेते हैं। घर में देख लेते हैं, यानी घर में देखो, बाहर मत जाओ। बाहर मत जाओ। चलिए आठवां प्रश्न का उत्तर दीजिए, 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? Which of these states does not share a border with Uttar Pradesh? इनमें से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, और आपके ऑप्शन है ये, ए बिहार, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी हरियाणा। सी पंजाब। श्योर है? ताला लगाने लायक? ओके, लॉक कर दिया जाए। सी पंजाब पे ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वाह क्या बात है, 80,000 रुपए जीत गई आप। अब आ रहा है नवा प्रश्न, और 1,60,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए आपको रेखा देवी जी, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन से नेता अपने समर्थकों के बीच ताऊ के नाम से लोकप्रिय थे? ओके, पता है आपको या दूं मैं ऑप्शन? नहीं, ऑप्शन दे। और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने, ए वल्लभ भाई पटेल, बी देवीलाल, सी चरण सिंह या डी जयप्रकाश नारायण। बी देवीलाल। श्योर है? ओके, बिना देखे हमको देख करके आप बोल रहे हैं, क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें, देवीलाल बी, ताला लगाया जाए, बहुत खूब, बिल्कुल सही उत्तर आपका, 1,60,000 रुपए जीत गए। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप रेखा देवी जी,
केवल एक लाइफलाइन आपकी अभी गई है जी, और आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का, जो कि खेल का दूसरा पड़ाव है जी। इसे पार कर जाइए ताकि कम से कम आज आप 3,20,000 यहां से ले जाइएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? नाम सुनते ही आपकी भौहें कुछ ऐसे ऐसे हो गई। पता नहीं ना सर, प्रेमचंद जी का नाम नहीं सुना आपने? सुना है, नाम तो सुना है लेकिन पता नहीं। अब रचनाओं का भी सुन लीजिए, फिर शायद आपका मन खुल जाए। और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए बूढ़ी काकी, बी निर्मला, सी गोदान या डी चंद्रकांता। तीन लाइफलाइन है आपके पास और 60 सेकंड है, जिसमें से अब केवल 45 बचे। चंद्रकांता लग रहा है सर, चंद्रकांता लग रहा है। चंद्रकांता लग रहा है, अच्छा चोर है, क्या करना चाहेंगी? ओके चंद्रकांता। हाँ जी, लॉक कर दें। हाँ ओके चंद्रकांता। डी चंद्रकांता पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, आपने कहा था कि आपने कभी प्रेमचंद जी को पढ़ा नहीं है। नहीं, नाम सुना है। नाम सुना है। हाँ। कैसे आपने अनुमान लगाया कि चंद्रकांता होना चाहिए? ऐसे तो कोई है नहीं ना, कोई भी ऐसे कोई नहीं। मतलब क्या, ऐसे हवा में तीर मार दिया आपने? आपको मालूम है 1,60,000 आप जीत रही हैं, यहाँ उत्तर गलत हो गया, आप नीचे आ जाइएगा 10,000 पे। और रेखा देवी जी, जो आपने उत्तर दिया है वो आपको 1,60,000 से नीचे नहीं लाएगा। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह क्या बात है, वेल प्लेड। एक चेक लिख रहा हूं आपके नाम 3,20,000 रुपए का। बहुत खूब, बधाई आपको, पकड़ लीजिए अच्छी तरह। ऑलराइट, चंद्रकांता जो आपने उत्तर दिया वो बिल्कुल सही था। चंद्रकांता के लेखक थे देविकी नंदन खत्री, प्रेमचंद जी नहीं थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, ना कुछ जानते हुए भी आप सही उत्तर देती चली जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। वो आप बैठे हो ना सामने से। अच्छा, मैं मेरे चेहरे पर उसका जवाब थोड़ी ना लिखा है। आप हमारे आइडल हो ना। हाँ जी, आपसे सीखा ना हमने सब कुछ। मैंने कहाँ दिया आपको, अभी तो मैं तो सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूँ। टीवी पे देखते हैं ना, जैसे न्यूज वगैरह में देखते हैं आप और अभिषेक जी, जी जी साथ साथ जाते हैं, गमी हो खुशी हो, तो मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे भी अभिषेक बच्चन जैसे ही बने। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 3,20,000 रुपए निश्चित रूप से आज आप यहाँ से ले जाइएगा जी। और जितने भी यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आते हैं, जब वो इतनी भारी रकम जीतते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या मायने रखते हैं वो, आप क्या कीजिएगा इसके साथ? मैं एक बुटीक खोलूंगी। उसके बारे में यहाँ की जनता को ज्यादा मालूम नहीं है और ना ही मुझे मालूम है। ओके। लेकिन हमारे पास, ओके, हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है आपका। ओके, कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मैं घर पे ही रहती हूँ और सिलाई का काम करती हूँ। एक से शुरुआत हुई थी और बहुत सी लड़कियां मेरे पास सीखने के लिए आ गई और धीरे धीरे हमारा ग्रुप बन गया। घर में आर्थिक मदद भी हो जाती है और इससे लड़कियों को भी मदद मिल जाती है। गांव में कामयाबी के मौके तो बहुत कम हैं, पर इस ग्रुप को हमें बड़ी मेहनत से बनाया है। मैंने सुना है कि बुटीक खोलने के लिए 10,00,000 रुपए लगते हैं। मेरा सपना है कि रेखा जी बहुत सारे पैसे जीत के आए और अपना बुटीक खोलें। मैं सोचती हूँ मेरा काम और आगे बढ़े, जिससे मैं अपने कपड़े लेके आऊँ, अपनी खुद सिलाई करूँ, खुद कढ़ाई करूँ और खुद अपने डिजाइन बनाऊँ, और गरीब लड़कियों को भी मैं सिलाई सिखा सकूँ, ताकि वो भी ससुराल में जाके आगे घरों से आगे बढ़ सके। हमारा सपना है कि रेखा जी 25,00,000 रुपए जीत के आए और अपना एक बड़ा सा बुटीक बनाए और उसमें ये हमारे बनाए हुए कपड़ों को बेचे और ये बुटीक पूरे इंडिया में मशहूर हो। आपने कल हमसे बात करते हुए कहा था कि आपकी माता जी से आपने सिलाई सीखी जी।
और हमें हमने देखा कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि निशुल्क आप जी और बेटियों को शिक्षा देती हैं सिलाई की जी, ताकि ये आर्थिक रूप से अपने आप को इंडिपेंडेंट समझें, कहीं जा करके नौकरी वोकरी ना करनी पड़े या किसी दूसरे के ऊपर ये निर्भर ना हो जी। बहुत अच्छी बात है। और अपना बुटीक आप खोलना चाहती हैं जी, डिजाइनिंग वगैरह आप कहीं से सीखिएगा या अपने मन के अंदर है आपके कुछ? कुछ सीखेंगे, कुछ मन के अंदर है, कुछ हुनर हो जाता है जी, कुछ ज्ञान हो जाता है, कुछ एज के हिसाब से। धीरे धीरे आप सीखेंगे और बनाएंगे जी। हम आशा करते हैं कि 10 लाख और 25 लाख की जो बात की है आपके जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स थे जी, वो आप यहाँ पर आज संभव कर सकें। ओके, अगला प्रश्न डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक जैकपॉट प्रश्न भी है, 16वां प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का। अगर आप भाग्यवश जीतते जीतते 15वें प्रश्न तक गई और 1 करोड़ आपने जीत लिए तो ये 16वां प्रश्न भी आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। वर्तमान लोकसभा में इनमें से कौन से राजनेता पहली बार सांसद के रूप में चुनकर आए हैं? Which of these politicians is the first time MP in the current लोकसभा? ऑप्शन सुनिए, ए नरेंद्र मोदी, बी वरुण गांधी, सी हरसिमरत कौर बादल या डी राहुल गांधी। इत्मीनान से सोचिए, ध्यान लगाइए, 3 लाइफलाइन है आपके पास, खेलिएगा जरूर क्योंकि यहाँ आप नो रिस्क पे हैं। ओके। अगर उत्तर आपका दुर्भाग्यवश गलत हो गया तो भी आप 3-20 पे रहिएगा, नीचे नहीं गिरिएगा। ओके। सी लग रहा है सर। लग रहा है, लग रहा है कि आप अब गुंजाइश नहीं है, आपको एकदम श्योर होना चाहिए। आपके पास 3 लाइफलाइन है अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। फोन ऑफ फ्रेंड बाकी है 50-50 जिसमें कि 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे और सलाहकार भी है। क्या करेंगे? ऐसे क्या होता है, इनको बुलाया जाए, आपको बोलना पड़ेगा सलाहकार, जोड़ीदार। ओके, जोड़ीदार ऑप्शन को अंकित किया जाए। और जगवंत सिंह जी स्वागत है आपका, आइए तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं, यहां बगल में खड़े हो जाइए। और यही मौका है पति पत्नी का जी, कि आप लोग आपस में जो कुछ भी गिला शिकवा हो वो कर दीजिए, लेकिन सही उत्तर बताइए इनको। वर्तमान लोकसभा इनमें से कौन से राजनेता पहली बार सांसद के रूप में चुनकर आए हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी वरुण गांधी, सी हरसिमरत कौर बादल या डी राहुल गांधी। क्या लगता है आपको? इन लोकसभा के में कंफ्यूजन तो ये तो मैंने तभी के अंदर उड़ा सुना नहीं लेकिन नहीं तो शोर तो मैं भी नहीं सुना हर हर सिर वेंकटेश से लाइफ में ले ली इसमें शोर ना गलत हो जाएगा, रिस्क नहीं लेना यहाँ पर वेंकटेश की लाइफ। क्या चल रहा है आप दोनों का, हम सुनना चाहते हैं। दोनों श्योर नहीं है सर, तो हम नीचे भी नहीं गिरना चाहते, मैं कह रहा हूँ दूसरी लाइफ लाइन ले लेते हैं। दूसरी लाइफ लाइन लेने की बात कर रहे हैं, ओके। कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे? फोन ऑफ फ्रेंड। फोन ऑफ फ्रेंड, ओके। कमिलो जी फोन ऑफ फ्रेंड लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे, जोड़ीदार और कंटेस्टेंट इसे अंकित किया जाए। और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं जिनसे ये बात करना चाहती हैं वो हमें दिखाइए, अंकित कीजिए। कौन है ये लोग? ये दोस्त हैं बेटे के। सब आपके मित्र हैं, आपके भी बेटे के दोस्त हैं। बेटे के मित्र हैं, किससे बात करना चाहेंगे और क्या लगता है आपको किसके पास सही उत्तर होगा? वेंकटेश चतुर्वेदी, नई दिल्ली में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी, ये एक वीडियो कॉल होगा। हेलो वेंकटेश चतुर्वेदी जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ सर, बिल्कुल ठीक। देखिए मैं बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से, और हॉट सीट पर आ गई हैं रेखा देवी जी। जी सर। आपके मित्र हैं उनके पुत्र मोहित। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। उनकी माता जी यहाँ हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही, आपसे मदद मांग रही हैं। ओके सर। तो अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे, 4 ऑप्शन सुनेंगे, आपको सही उत्तर देना है 30 सेकंड के अंदर। रेडी है? अच्छा रेखा जी, जी सर। रेखा देवी जी आपका समय शुरू होता है अब। वर्तमान लोकसभा में इनमें से कौन से राजनेता पहली बार सांसद के रूप में चुनकर आए हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी वरुण गांधी, सी हरसिमरत कौर बादल, डी राहुल गांधी। पता है लेकिन नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं है जी। वरुण गांधी और हरसिमरत कौर बादल में से एक होंगे।
पक्का? ऑलराइट एंड बी और सी में से एक आंसर होना चाहिए। श्योर नहीं आप? श्योर बी और सी में से है, ए और बी नहीं है। समय बंद हो गया और ना ही वो शोर थे और ना ही कुछ बता पाए। एक लाइफलाइन और भी बाकी है आपकी, अगर आप चाहें तो ले लीजिए वो, उसमें दो गलत उत्तर जो है वो मिट जाएंगे। सी बोल दीजिए, पंजाब से। सी, सी हरसिमरत कौर बादल। आपके पास लाइफलाइन है अभी भी एक, 50-50। वरुण गांधी। बी वरुण गांधी। अरे कभी का सी है कभी बी है, फिर ए भी बोल देंगे, डी भी बोल देंगे, एफ भी बोल देंगी, जी भी बोल देंगी, है नहीं उसमें कुछ। 50-50 करेंगे। अद्भुत हैं आप दोनों, मैं क्या बताऊं आपके बारे में। कमिटी महाशय 50-50, आखिरी लाइफलाइन को भी अंकित किया जाए और दो गलत उत्तर इनमें से मिटा दिए जाए। बताइए जिन दोनों पे आपने आशा लगा रखी थी वो मिट गए हैं। अब बहुत ध्यान से सोचिए। ठीक है सर, ए पे लॉक कर दिए, नरेंद्र मोदी। फाइनल आंसर है ये आपका? सोच समझ के बाद। सोच समझ के। कमिटर महाशय ए नरेंद्र मोदी, ताला लगा जाए। कैसे आपको लगा कि नरेंद्र मोदी होना चाहिए? सांसद इससे पहले इन्होंने एक गाना पहचान लिया था जिनने कहा कि हमने गाना कभी सुना ही नहीं है और राज कपूर का नाम ले लिया और वो सही हो गया। तो यहाँ पहले गुजरात के थे, गुजरात में जी मंत्री थे, तो अभी ये वहाँ से सांसद हैं इतना मुझे पता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका और 6,40,000 रुपए जीत गए आप। जगवंत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप अपना ग्रहण कर सकते हैं जगह। थैंक यू सो मच। नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में पहली बार चुने गए जब वो वाराणसी से उन्होंने इलेक्शन जीता 2014 में। वरुण गांधी, हरसिमरत कौर बादल वो लोकसभा में 2009 में चुने गए थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, पहली दफे जब वो आए थे लोकसभा में तो जो वहाँ की सीढ़ियाँ हैं वहाँ रुक करके उन्होंने अपना माथा टेका था पहली बार, तो मुझे लगा कि अगर आपने वो दृश्य देखा होगा जी। तो शायद आपके मन में होगा कि यही होंगे क्योंकि पहली बार वो जा रहे थे पार्लियामेंट में। ओके, 6,40,000 आपने जीत लिए हैं। अब आपको 12वें प्रश्न का उत्तर देना है और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन नहीं है। ओके, अब सोच समझ के जो गुंजाइश थी वो नहीं, एकदम सही उत्तर होना चाहिए। अगर आपके मन में है कि ये सही उत्तर है तो ही खेलिएगा, वरना हम नहीं चाहते कि आप यहां से कुछ हारे। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा इनमें से कौन सा नाम नहीं अपनाया गया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, विच ऑफ दीज नेम्स वॉज नॉट अज्यूम्ड बाय द पांडव्स ड्यूरिंग देयर अज्ञातवास? ऑप्शन सुनिए और वो है ये, ए कंक, बी तंत्रिपाल, सी महाबाहु, डी बृहनला। सी महाबाहु। महाबाहु श्योर हैं? ओके, बिल्कुल फाइनल आंसर है आपका? बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने, सुना है, पढ़ा है, देखा पढ़ा है। क्या किया जाए? लॉक कर दिया। सी महाबाहु लॉक कर दिया जाए। बहुत खूब, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको रेखा देवी जी। हमको तो नजर आ रहा है कि आपकी बुटीक खुल गई। एक ने कहा था 10 लाख, एक ने कहा था 25 लाख, जी दोनों के बीच में पहुंच गई आप। लेकिन अगर आप अगले प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा सही तो वो 25 लाख रुपए आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बुटीक खुल जाएगी आपकी। कैसा लग रहा है आपको इस समय? ये 12,50,000 रुपए कम धनराशि नहीं है? सबसे अच्छा तो ये लग रहा है आपके सामने बैठे हैं। ये बार बार आप हमको मेरा सपना था कि मैं एक बार किसी भी मतलब ऑडिशन में भी या कैसे भी मैं आपके पास पहुंचूं और एक मेरा आपके साथ सेल्फी हो जाए।
बस ये मेरा सपना है। फोटो भी होगा, सेल्फी भी होगा, लेकिन पहले इस अगले प्रश्न के साथ जूझिए आप। 13वां प्रश्न है, यह 25 लाख रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सियाचिन में सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य चौकी, जिसे 1987 में पाकिस्तानी सेना के कब्जे से छुड़ाया गया था, का नाम किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर है? सियाचिन्स हाईएस्ट मिलिट्री पोस्ट विच वॉज फ्रीड फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी इन 1987 इज नेम्ड आफ्टर विच परमवीर चक्र रिसेपियंट? और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने, ए नायब सुबेदार बाना सिंह, बी मेजर सोमनाथ शर्मा, सी लांस नायक एल्बर्ट एक्का, या डी लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। सियाचिन में सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य चौकी, जिसे 1987 में पाकिस्तानी सेना के कब्जे से छुड़ाया गया था, का नाम किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर है? आप 12:50 जीत चुकी हैं, कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी भी समय आप क्विट कर दीजिएगा तो आपको 12:50 अवश्य मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इसका एकदम सही उत्तर मालूम है तो ही खेलिएगा, वरना अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3:20 में। क्विट सर। क्विट करना चाहेंगी? सही उत्तर नहीं मालूम आपको? कोई भी अनुमान नहीं है आपको? नहीं, सी का अनुमान है थोड़ा सा, सी। सी का अनुमान है, लेकिन आप श्योर नहीं है? नहीं, श्योर नहीं। क्विट करेंगी या लॉक करवाएंगी? नहीं सर, क्विट। क्विट करेंगी आप? यस। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय? अंतिम निर्णय। ऑलराइट कंप्यूटर जी, रेखा देवी जी रोहतक से जो आई हैं वो खेल को क्विट करेंगी। 12,50,000 रुपए आप जीतती हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, बिग हैंड फॉर हर। और एक और चेक आ रहा है आपके नाम। ये रहा आपका चेक 12,50,000 रुपए का, बहुत बहुत बधाई। बैंक अकाउंट तो है ना आपका? है। ओके, हाँ। इससे पहले कि हम आपको यहां से जाने दें जी, इस प्रश्न का हमें सही उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सी। सी लांस नायक एल्बर्ट एक्का। ताला लगाया जाए इस पर कंप्यूटर जी। ये उत्तर गलत होता आपका, सही उत्तर है नायब सूबेदार बानस। बाना टॉप बना था जी सियाचिन में, पाकिस्तान ने इसका नाम कैद पोस्ट रखा था जी, और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर उन्होंने रखा था कैद पोस्ट। इस पर कब्जा करने के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह 8th जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के वो सदस्य थे, का योगदान सराहनीय था, जिसके कारण परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया और उसका नाम रखा गया बाना टॉप जी। बहुत बहुत बधाई आपको रेखा देवी जी, आपने जीत लिए हैं 12,50,000 रुपए जी, और आपने कहा कि आपका बैंक अकाउंट है, और अब आ गया है जमाना डिजिटल ट्रांसफर का जी। आपका जो जीता हुआ रकम है ये इसके द्वारा, देखिए ये देखिए, ये है कंफर्म किया, 12,50 गया आपके अकाउंट में, ये देखिए, तेज भी है और सुरक्षित भी है, बहुत आसान है ये। बहुत बहुत बधाई आपको रेखा देवी जी, बहुत सुंदर तरीके से आप खेली हैं, हम आपको एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं, तालियों के साथ आपको बधाई देते हैं। ओके सर। और अब आ गया है मौका सेल्फी का, चलिए सेल्फी भी ले लेते हैं, यहाँ आइए, ये देखिए। रेखा देवी जी एक गृहिणी, बहुत ही साधारण वातावरण में इनका काम चल रहा था और रहती भी हैं, रोहतक हरियाणा से आए, 12,50,000 रुपए जीत गई, बहुत बहुत बधाई उनको, एक बार फिर तालियां उनके लिए। और देवियों सज्जनों, अब हम जिन बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, उनके नाम हैं ये, महिनाम से अनामिका झा, चितवाना शेरपुर से चांद किरण त्यागी, वडोदरा से इम्तियाज खान चौहान, मैसावत से विकास चवन,
होडल से वीरेश चौधरी और लातूर की जयश्री जट। ये हैं बाकी के कंटेस्टेंट्स और अब उनका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए क्योंकि वहां आने वाला है आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन्हें इनके मूल्य के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। तैयार है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए 1.5 रुपए, बी 2.25 रुपए, सी 2.5 रुपए और डी 2 रुपए। 1.5 रुपए, 2.25 रुपए, 2.5 रुपए, 2 रुपए। और हो गया है समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए सही क्रम में। सबसे पहले आते हैं ए 1.5 रुपए, फिर आता है डी 2 रुपए, उसके बाद बी 2.25 रुपए और अंत में सी 2.5 रुपए। यह है सही क्रम। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल एक, वीरेश चौधरी। अरे वाह, बस बस ये मत किया कीजिए भाई साहब। आइए हमारा आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। वेल डन कमल सिंह। फास्टेस्ट फिंगर प्रतियोगिता जीत करके मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं एक लेक्चरर जिनका नाम है वीरेश चौधरी। ये होडल हरियाणा से हैं। वीरेश जी बचपन में बहुत शरारती थे, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम इतना बता दें कि इनके पास एक नहीं बहुत सारी डिग्रीज हैं और अब उन्हीं से पूछते हैं कि उनके बारे में कितनी डिग्रीज हैं भाई साहब आपके पास, या आप बताइए या हम आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बना हुआ है वो दिखा दें जनता को। अच्छा वीडियो दिखा देते हैं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज। मेरा नाम वीरेश चौधरी है, मैं होडल हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। स्पोर्ट्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस एंड चेस खेलता हूँ और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एक लेक्चरर के पद पे काम करता हूँ। फर्स्ट टाइम जो मुझे देखता है वो तो पहले लेक्चरर नहीं समझता आप लेक्चरर हो, और फिर एज ही लगता है उसकी, इतनी एज इतनी है आपके। शादीशुदा तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली शादियों में जाता हूँ या कोई नया प्रोफेसर आता है कॉलेज में तो पूछता है कि शादी के बारे में क्या विचार हैं, कब करने वाले हैं, तो उनको बताता हूँ सर मैं शादीशुदा नहीं, 3 बच्चे भी मेरे हैं। मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी अचीव किया है मैंने, और अब मेरा एक सपना था KBC में आने का, वो भी शायद अब पूरा हो चुका है और मैं जल्दी हॉट सीट पर आकर उस सपने को पूरा करूँगा। ऊपर वाला हर एक को लक्ष्मी जी नहीं देता है, और बेटियों के रूप में जो लक्ष्मी जी मेरे घर में आई हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा हासिल करूँ जो KBC से मैं जीत के जाऊँ अमाउंट। उसमें से एक बेटी जो मेरी है वो साइंटिस्ट बनना चाहती है, वो साइंटिस्ट बने, और सेकंड जो है उसे मैं ओलंपिक के लिए तैयार करूँ, और दोनों बेटियों के साथ जो गर्व का जो मेरा सीना है वो और चौड़ा हो जाए। क्या बात है। अपनी डिग्रीज के बारे में तो आपने चर्चा की नहीं, तो आप ही बताइए सर। फर्स्ट मैंने BBA किया, फिर मैंने PGDBA किया, इट्स लाइक MBA, एंड देन MA हिस्ट्री, MA हिंदी एंड BEd, एंड आफ्टर दैट NET। आई एम लुकिंग फॉर। कहाँ से समय निकाला इतना सब करने के लिए? सर सब कुछ हो गया, 29 ईयर्स अभी मेरी एज है, 3 बच्चे हैं, बीवी है, इतनी सारी डिग्रियाँ हैं, बस अब जो बचा हुआ था वो आज आपने पूरा कर दिया यहाँ बैठाकर। बहुत बहुत बधाई आपको वीरेश जी। जी जी। आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ आए हैं? जी सर। कौन कौन है वहाँ पर? माता जी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, मामा जी का बेटा है, कज़न है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं देव कुमार जी को, जी, जो जी। कि आपके चाचा हैं। जी प्रणाम करता हूँ आपको सर, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका स्वागत। वीरेश बहुत जल्दी मैं आपको रूल समझा दूं, आपको तो रूल्स पता है। 15 प्रश्नों का सही उत्तर देना आपको और आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए। 1,000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएं 1 करोड़ रुपए तक। 2 पड़ाव हैं, 5वें पर 10,000 और 10वें पे 3,20,000। 116वां प्रश्न है जैकपॉट प्रश्न, उसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। 45 सेकंड, 60 सेकंड और फिर समय की कोई पाबंदी नहीं। 4 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा वीरेश। अगर किसी को अपने जबान पर लगाम लगाने के लिए बोला जाए या जा रहा है तो उसे क्या करने के लिए कहा जा रहा है?
If somebody says, जुबान को लगाम दो, what does he mean to say? Option सुनिए. A, to run, to talk less, to gargle or to eat less. भागने को कह रहा है, कम बोलने को कह रहा है, कुल्ला करने को बोल रहा है या कम खाने को बोल रहा है? Sir, it's B, कम बोलने को. B, कम बोलने पे ताला लगाया जाए. सही उत्तर, 1000 जीत गया. जुबान पे लगाम दो means to control what you say, how you say it and when. दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? What are Sensex and Nifty? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, फैशन इंडिसेस, B, IQ tests, C, स्टॉक इंडिसेस, और is it D, सुष्मिता सेन films? फैशन सूचकांक, IQ test, स्टॉक सूचकांक या सुष्मिता सेन की फिल्म? It's C sir, स्टॉक इंडिसेस. Yes sir. Alright. सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय. बिल्कुल सही उत्तर, आपका 2000 जीत गया. अब आ रहा है तीसरा प्रश्न और इसका मूल्य है 3000 रुपए. अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. वीरेश जी, ये है प्रश्न, फिल्म में कौन से किरदार ये गाना गा रहे हैं? एक गाना आपको अभी सुनाया जाएगा. गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी. आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, रईस आलम, बी, सुल्तान अली खान, सी, चुलबुल पांडे या डी, लवली सिंह. बी सर, सुल्तान. बी, सुल्तान अली खान. जी सर. श्योर है? जी. फाइनल उत्तर आपका? है सर. ताला लगा दिया जाए. बिल्कुल सही उत्तर आपका, 3000 जीत गया. वेल प्लेड. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर. इसका मूल्य 5000 रुपए. तैयार हैं आप? जी सर. चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. राजनीतिक पार्टी JDU के नाम में यू का क्या अर्थ है? इन द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी JDU, व्हाट डज यू स्टैंड फॉर? ऑप्शन सुनिए: ए, यूनियन, बी, यूनाइटेड, सी, यूनिवर्सल या डी, यूनिटी. सर, ऑडियंस पोल. उत्तर नहीं मालूम, शांत हो जाए कांटा बैन. वीरेश चौधरी जी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे. ऑडियंस पोल, ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखें. कंप्यूटर जी, इसको अंकित किया जाए. और तैयार हैं आप? आपका समय शुरू होता है अब. राजनीतिक पार्टी JDU के नाम में यू का अर्थ क्या है? अस्सी प्रतिशत दिया है बी, यूनाइटेड. सर, मैं भी सोच रहा था, लेकिन. सोच रहे थे आप? जी. ट्राई भी नहीं किया आपने. चलिए कोई बात नहीं, क्या करना चाहेंगे आप? सर, लॉक कर दीजिए ऑडियंस. बी, यूनाइटेड पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. ऑडियंस सही है. वेल प्लेड ऑडियंस, बधाई आपको. जनता दल यूनाइटेड JDU वाज फॉर्मड इन 1999 आफ्टर जनता दल स्प्लिट इंटू टू फैक्शंस. बिहार इज करंटली गवर्न्ड बाय JDU लेड कोएलिशन अंडर द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार. सर, जनता दल तो मुझे पता था, थर्ड वाला नहीं पता था क्या है. ऑलराइट. ओके. अब आ रहा है पांचवा प्रश्न, यह है 10000 रुपए का. तैयार हैं? जी. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन से क्रिकेटर ने कभी भी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में काम नहीं किया है? Which one of the following cricketers has never been the coach of the Indian cricket team? ऑप्शन सुनिए: ए, ग्रेग चैपल, बी, अनिल कुंबले, सी, गैरी कर्स्टन या डी, सचिन तेंदुलकर. कभी भी कोच नहीं रहे भारतीय क्रिकेट टीम के. सचिन सर. डी, सचिन तेंदुलकर. डी, सचिन तेंदुलकर. यस. फाइनल उत्तर आपका? जी. ताला लगा दिया जाए? जी. डी, सचिन तेंदुलकर. लॉक किया जाए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही उत्तर आपका. पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10000 जीत गए. Chappell was the head coach from 2005 to 2007, 2 years. Gary Kirsten was the coach from 2008 to 2011. Or World Cup bhi. Ji. Inhi ke nigrani mein jeeta gaya tha. Sir, ek baat kehna tha. Anil ji.
आप इतना हर एक स्पोर्ट को, नहीं क्रिकेट ही नहीं, आप बॉक्सिंग को भी और कबड्डी में आपकी टीम है, जी, जी, जी. तो ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग 10-12 तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी देश की पहचान अपने उनका एक रहस्य होता है, अपनी संस्कृति होती है, सब होता है. लेकिन कहीं ना कहीं आजकल के ज़माने में हमने देखा है कि स्पोर्ट्स के साथ एक देश की जो एक पहचान है वो प्रबल होती है. जी सर. तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे खेल हैं जिसमें हम प्रबल होते जा रहे हैं, उसमें भारत का नाम जो है वो उज्ज्वल हो. क्रिकेट में अगर हम पहले हैं तो उसका नाम उज्ज्वल होना चाहिए. भाई साहब, आपने फिल्म वगैरह में प्रवेश करने का कोई प्रयत्न किया हो? हाँ सर, किया था. वगैरह किया है आपने? जी सर, किया था. कहाँ पर? सर एक्चुअली मैं दिल्ली में एक एग्ज़ाम देने गया था. जी जी. तो उस एग्ज़ाम के बाद जैसे मैं आ रहा था, एक्चुअली मेरा मेन काम तो मेरा ऑडिशन देना ही था. वो तो एग्ज़ाम तो एक बहाना मिल गया मेरे को. जी जी. दिल्ली में सब इंस्पेक्टर का था, एग्ज़ाम था पुलिस का. तो मैं देखे आ रहा था तो देखा तो वहाँ पे ऑडिशन जहाँ पे जाना था, पहुँचा मैं तो वहाँ पे अंदर गया ऑडिशन देने के लिए. तो वहाँ ज्यूरी थे तो उन्होंने कहा कुछ एक्टिंग करके दिखाइए. तो आप किस एक्टिंग करेंगे? मैंने कहा सर आप जो कहेंगे वो कर देंगे आपके लिए. उन्होंने कहा अच्छा आप किसी जानवर की एक्टिंग करके दिखाइए. जानवर की एक्टिंग? जी सर, जानवर की एक्टिंग. मैंने कहा हम बंदर से ही तो इंसान बने हैं, कोई बात नहीं कर लेते हैं हमने. मैंने कहा गोरिल्ला चलेगा? हाँ. उन्होंने कहा हाँ दौड़ेगा. मैंने ठीक है. तो सर वो जो बैठे हुए थे, टेबल वगैरह थी, पानी वगैरह रखा हुआ था, तो मैं गोरिल्ला की तरह कूद के गया, उनके सारा पानी वानी फेंक के उनके पीछे कूद गया और फिर स्टेज पे आ गया. फिर उसके बाद सर, उसके बाद उनका कॉल आया था. लेकिन उस टाइम में नेट की तैयारी कर रहा था एग्जाम्स की, तो मैंने घर वालों को बताया ही नहीं. जी जी. क्योंकि फादर मदर को छोड़ के मैं जाना नहीं चाहता था उस टाइम पे, कि उनको जरूरत है मेरी, अभी मैं अकेला ही उनको संभालने के लिए, तो इसलिए मैं गया नहीं. या, वेल डन. अब आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए. तैयार हैं? जी सर. छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा. रडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में का किस प्रकार का सांप होता है? इन द जंगल बुक बाय रडयार्ड किपलिंग व्हाट टाइप ऑफ स्नेक इज का? ये फिल्म देखी आपने या किताब पढ़ी होगी या फिल्म देखी होगी आप? सर हाल ही में द जंगल बुक आई थी मूवी, एक मैंने देखी भी थी. जहाँ तो आई थिंक देखते हैं. बच्चों की दिखाई होगी शायद आप? जी सर, बच्चों को कॉलेज में दिखाई थी. जी. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखता हूँ और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पाइथन, बी क्रेट, सी कोबरा या डी वाइपर. अजगर, क्रेट, कोबरा या वाइपर. आई थिंक इट्स ए अजगर. श्योर हैं? यस. फाइनल आंसर दीजिए. हाँ सर, ए अजगर. लॉक कर दिया जाए? जी. ए पाइथन अजगर पे ताला लगाया जाए. कंप्यूटर जी, सही उत्तर आपका. वेल प्लेड. 20,000 रुपए जीत गए आप वीरेश जी. और आगे बढ़ते हैं जल्दी हम लोग. सातवां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 40,000 रुपए. बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, एक लाइफ लाइन चली गई आपकी. हालांकि आपको अनुमान था कि ये सही उत्तर क्या होना चाहिए, कोई बात नहीं. सातवां प्रश्न 40,000 रुपए, वीरेश जी आपके सामने ये रहा. अगस्त 2017 में CBFC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंसर बोर्ड जिसे बोलते हैं ना. हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ CBFC इन अगस्त 2017? अभी अभी हाल ही की बात है. और आपके ऑप्शन हैं ये: ए शबाना आजमी, बी प्रसून जोशी, सी जावेद अख्तर या डी गुलजार. सेंसर बोर्ड बहुत ही चर्चित रहा, यह सेंसर बोर्ड अगस्त 2017 नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दुविधा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन. सर लाइफलाइन. शांत हो जाए. काटा बैंड कौन सी? जोड़ीदार. जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे आप? ओके, जोड़ीदार ऑप्शन को अंकित किया जाए. और देव कुमार जी स्वागत है आपका, आइए मदद कीजिए. तालियों के साथ इनका स्वागत. देव कुमार जी प्रणाम करता हूं आपको. क्या लगता है वीरेश जी जोड़ीदार जी को? एक्चुअली हमारे चाचा जी पहले डायरेक्टर के बनने के थोड़ा सपने देखते थे बॉम्बे के. ओ, अच्छा, फिल्म वगैरह में. तो उनका इंटरेस्ट काफी था, तो मुझे लगता है कि इसका इन्होंने जरूर पढ़ा होगा. मैंने नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर में, लेकिन उन्होंने जरूर पढ़ा होगा. आप दोनों में सलाह मशवरा शुरू हो जाना चाहिए, हम सुनना चाहते हैं. क्या सोच रहे हैं आप? ये प्रसून जोसेफ भी. मुझे भी इनको बताना पड़ेगा. आप यही लग रहा था. कंफर्म है? श्योर है? ओके सर. फाइनल आंसर बताइए. जी सर, प्रसून जोशी. बी प्रसून जोशी. ओके,
लॉक किया जाए प्रसून जोशी बी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी हाँ, यहाँ आ जाइए ताकि आपका चेहरा दिख सके। हम अभी जो फैमिली गई थी वो हरियाणा से थी जी। हमारी जो फैमिली है उसके बिल्कुल उल्टा है। ओ क्यों? हमारा सारा परिवार पहले से ही, मेरे पिताजी, इनके दादाजी वो भी फिल्में बहुत देखते थे, उनके पास भी काफ़ी डिग्रियाँ थी। पहले बड़ी बहन को जो लड़का हुआ तो उन्होंने उनका नाम रख दिया अभिषेक, फिर मेरी छोटी बहन थी उनकी लड़की हुई उन्होंने श्वेता रख दिया। हमारा पूरा परिवार आपका बहुत बड़ा फैन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। प्रसून जोशी टेक्स ओवर फ्रॉम पहलाज नीलानी। ही इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग लिरिसिस्ट नोन फॉर फिल्म सच एज तारे जमीन पर, भाग मिल्खा भाग, नीरजा। अब इनको CBFC का चेयरमैन बनाया गया है पहलाज नीलानी जी की जगह पर। ओके बच गया हुटर जी, जी आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। देवियों सज्जनों, आज का समय अब यहीं समाप्त होता है। आज जो खिलाड़ी हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास अब भी मौका है, इसलिए निराश होने की कोई वजह नहीं है। हॉट सीट तक पहुंचने की कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि कोशिश ही मंजिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी होती है। ठीक है, ऑलराइट। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।